पुलिस अधिकारी आगे की जांच चालू है, आगे की जांच चालू है, आगे की जांच 6-6 साल अब नहीं कर पाएंगे। हमने तय कर दिया है कि 90 दिन में आरोप पत्र दायर करना ही पड़ेगा और कोर्ट भी उनको और 90 दिन की परिस्थिति देखकर परमिशन दे सकती है। 180 दिन में आपको जांच समाप्त कर ट्रायल के लिए भेज देना पड़ेगा। की परिभाषा का विस्तार कर इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड, ईमेल, सर्वर लॉग्स, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, लैपटॉप, एसएमएस, वेबसाइट, लोकेशनल साक्ष्य, डिवाइस पर उपलब्ध मेल और मैसेजेस, ये सभी को कानूनी वैधता इस देता है, जिससे अदालतों के अंदर जो कागजों के ढेर लगते हैं, अंबार लगते हैं, वो समाप्त हो जाएंगे। एफआईआर से केस डायरी और केस डायरी से चार्जशीट और चार्जशीट से जजमेंट तक की सारी प्रक्रिया को डिजिटलाइज करने का प्रावधान इस कानून के अंदर मैं लेकर आया हूं। अदालत की सभी कार्यवाही को टेक्नोलॉजी के माध्यम से करने के लिए हम करते हैं। अभी आरोपी की पेशी ही सिर्फ मान्यवर पुलिस को 90 दिन में जिसने फरियाद की है इसका स्टेटस देना हमने कंपलसरी कर दिया है। 90 दिन में उसका स्टेटस देना पड़ेगा और हर 15 दिन में फरियादी को अपना स्टेटस भेजना पड़ेगा। 7 वर्ष या उससे अधिक के कारावास का केस अगर विड्रॉ करना है तो पीड़ित को सुने बगैर कोई भी सरकार इसको विड्रॉ नहीं कर पाएगी। ये भी इससे नागरिकों के अधिकारों की पुलिस अधिकारी आगे की जांच चालू है, आगे की जांच चालू है, आगे की जांच 6-6 साल अब नहीं कर पाएंगे। हमने तय कर दिया है कि 90 दिन में आरोप पत्र दायर करना ही पड़ेगा और कोर्ट भी उनको और 90 दिन की परिस्थिति देखकर परमिशन दे सकती है। 180 दिन में आपको जांच समाप्त कर ट्रायल के लिए भेज देना पड़ेगा। इससे बहुत बड़ा फर्क होगा। संगठित अपराध के लिए एक नया प्रावधान हम इसके अंदर जोड़ रहे हैं, जो अंतरराज्य गैंग और संगठित अपराध है, इसके विरुद्ध एक अलग प्रकार की कठोर सजा का प्रावधान। महिलाओं के प्रति अपराध और सामाजिक समस्याओं के निपटान के लिए भी हमने ढेर सारे किए हैं। शादी, रोजगार, पदोन्नति के झूठे वादे और गलत पहचान प्रकट कर जो यौन संबंध बनाते थे उसको अपराध की श्रेणी में पहली बार नरेंद्र मोदी सरकार लाई। गैंग रेप के सभी मामलों में 20 साल की सजा या आजीवन कारावास का प्रावधान किया है, जो आज नहीं है। 18 वर्ष से कम आयु की बच्चियों के मामले में मृत्यु दंड का भी प्रावधान। मान्यवर, मॉब लिंचिंग का बड़ा शोर मचा है, हमने उसको केयरफुली करा है। मॉब लिंचिंग के लिए भी 7 साल आजीवन कारावास और मृत्युदंड तीनों का प्रोविजन कर हम प्रावधान मान्यवर लाए। स्नेचिंग के लिए चाहे मोबाइल का हो चाहे महिलाओं की चेन का हो कोई प्रावधान नहीं था, बहुत सारे लोग छूट जाते थे क्योंकि वो चोरी भी नहीं होती थी, स्नेचिंग का प्रावधान भी नहीं था, अब स्नेचिंग का भी प्रावधान ले रहे मान्यवर। एक 324 इसमें गंभीर चोट के कारण निष्क्रियता की स्थिति हो जाती थी, मानो कोई अपाहिज हो गया, ब्रेन डेड हो गया, मृत्यु नहीं हुई, पूरा पैर कट गया, हाथ कट गया, तो भी 7 साल की सजा थी और किसी को थोड़ा लगा रिपेयर होकर 1 सप्ताह में अस्पताल से बाहर आ गए तो भी 7 साल। हमने दोनों को अलग कर दिया हमेशा के लिए। अपंगता अगर आती है या ब्रेन डेड होता है तो इसकी सजा को 10 साल या तो आजीवन कारावास में बदलना पड़ेगा। बच्चों द्वारा अपराध करने वाले व्यक्ति के लिए, बच्चों के साथ अपराध करने वाले व्यक्ति के लिए सजा को बढ़ाया गया है, 7 से 10 साल किया गया है। पहले जुर्माना काफी कम था, अनेक प्रोविजन में जुर्माने को बढ़ाने का भी काम किया है। मान्यवर, अपराधियों के विरुद्ध जो भाग जाते थे इसके लिए भी 10 साल की सजा का लाया है प्रावधान लेकर आए हैं। सजा माफी को पॉलिटिकल यूज करने वाले बहुत किस्से आते थे, अब हमने कह दिया है कि अगर किसी को सजा माफ करनी है तो मृत्यु की सजा को आजीवन कारावास में बदल सकते हैं,
आजीवन कारावास की सजा को 7 साल तक ही माफ कर सकते हैं, 7 साल के कारावास को 3 साल तक ही माफ कर सकते हैं। किसी भी गुनेगार को, अभी बिहार में कुछ मामले आए हैं सामने, इसी प्रकार से राजनीतिक रसूख वाले लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा, उनको भी सजा भुगतनी पड़ेगी, इसका भी प्रावधान माननीय हम लेकर आए हैं। माननीय राजद्रोह पर कि अंग्रेजों ने अपने शासन को बचाने के लिए एक कानून बना था, मैं इस सदन को कहना चाहता हूं एक ऐतिहासिक निर्णय इस सरकार ने किया है, राजद्रोह को कंप्लीटली हम रिपील कर रहे हैं, कंप्लीटली रिपील। यहां लोकतंत्र, सबको बोलने का अधिकार है, राजद्रोह को हम कंप्लीटली रिपील कर रहे हैं माननीय। और इस कानून में इसके साथ साथ अलगाव, सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसक गतिविधियां, अलगाववाद, भारत की संप्रभुता, एकता को, अखंडता को चैलेंज करना, ये सबको कानून के अंदर किसी न किसी दाएं बाएं तोड़ मरोड़ कर जोड़ते थे। इसका कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं था, टेररिज्म की व्याख्या ही नहीं थी, पहली बार अब इसकी व्याख्या हो रही है और जुड़ी संपत्ति को कुर्क करने का अधिकार भी है। मान्यवर, जांच करने वाले पुलिस अधिकारी के संज्ञान पर कोर्ट इस पर ऑर्डर करेगा, कुर्की का ऑर्डर पुलिस अधिकारी नहीं कर पाएंगे, निर्णय नहीं कर पाएंगे, कोर्ट में सुनवाई के बाद होगा। मान्यवर, एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला हमने किया है, अनुपस्थिति में ट्रायल। कई सारे केसों में दाऊद इब्राहिम वांटेड है, चले गए, देश छोड़कर भाग गए, आज उन पर ट्रायल नहीं होती। हमने तय किया है कि सेशन कोर्ट के जज ड्यू प्रोसीजर के बाद जिसको भगोड़ा घोषित करेंगे उसकी अनुपस्थिति में ट्रायल होगी और उनको सजा भी सुनाएगी। दुनिया में वो कहीं पर भी छिप, सजा सुनाई जाए। माननीय, इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है, और वो सजा के खिलाफ अपील करना है तो न्याय की शरण में आए, अपने आप को भारतीय कानूनों के शरण में, भारतीय कानूनों की शरण में लाए और अदालत के सामने जाए तो हाईकोर्ट में चैलेंज करें। तो अभी थोड़ा बताया, इस प्रकार के ढेर सारे बदलाव इस कानून के अंदर हम लेकर आए हैं, टोटल 313 बदलाव है माननीय। और मैं इतना कह सकता हूं कि हमारी न्यायिक दंड प्रक्रिया, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर आमूल चूर परिवर्तन होगा और सबको ज्यादा से ज्यादा 3 साल के अंदर न्याय। मान्यवर, इसमें पुलिस अधिकारियों को भी जवाबदेह किया है, वकीलों को भी जवाबदेह किया है और न्याय करने वाले के लिए भी मर्यादाएं रखी। इसमें महिलाओं का और बच्चों का विशेष ध्यान दिया गया है, अपराधियों को सजा हो इसकी चिंता की गई है और पुलिस अपने अधिकारों का दुरुपयोग न कर पाए ऐसा भी। इसके अंदर राजद्रोह जैसे कानूनों को एक और हम निरस्त कर रहे हैं तो दूसरी ओर धोखा देकर महिला का शोषण करने वाले और मॉब लिंचिंग जैसे जघन्य अपराध करने वालों को दंडित करने का भी एक और हमने राजद्रोह को रिपील किया है। दूसरी ओर संगठित अपराध और टेररिज्म पर नकेल कसने का काम भी हमने किया है। माननीय, मैं मानता हूं कि तीनों संहिता अपने आप में संपूर्ण है।